सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही सुंदर कथा। तो सुनिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जो भी हमारे हमें कुछ नया कुछ सुनने को या देखने को या पढ़ने को मिलता है, तो हम लोग अक्सर आप लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं। तो बताइएगा आप लोग कि आपको कैसा लगा। एक बार क्या होता है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहते हैं। क्योंकि अर्जुन के दिमाग में इस तरीके की बात आ रही थी, तो और काफ़ी समय से उसे ये चीज़ लगता था कि सभी लोग बोलते हैं दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण, तो ऐसा क्यों करते हैं। मैं भी अक्सर दान देता हूँ, बहुत से दान देता हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी मेरा नाम उस चीज़ में, उस श्रेणी में नहीं आता। तो इस तरीके की उथल पुथल जो है अर्जुन के दिमाग में चल रही थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण से इस बात को पूछा, तो श्री कृष्ण ने कहा, यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियाँ को सोने का बना दिया और फिर अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि वह लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आप लोगों को सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। तो देखते ही देखते काफ़ी दिन हो गए और जो अर्जुन थे वो सोना बांटते रहे और इसी तरीके से सोना बांटते वे बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे, क्योंकि सोने की पहाड़ियाँ थी। इतना आसान तो होता नहीं है कि इतना सारा सोना सभी गांव वालों में बांटना। तो बस जो अर्जुन बांट रहे थे, तो अर्जुन की चारों तरफ से सभी लोग जय जयकार कर रहे थे और अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने पर उनमें थोड़ा बहुत घमंड भी आ गया था। तो घमंड आने के बाद जो है कि भाई मैं अर्जुन हूँ और मैं देखो लोगों को इतना धन बांट रहा हूँ, ये सब चीज़ें उसके अंदर आने लगी थी। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोने की पहाड़ी से तोड़ते गए और गाँव वालों को देते गए। लगातार दो दिन और दो रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार भी आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। अब अर्जुन काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम और ना हो पाएगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। जब अर्जुन से इस तरीके का काम पूर्ण नहीं हो पाया, तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कर्ण को बुलवाया कि अब जो है अर्जुन विश्राम करेंगे और तुम जो है ये सोने की पहाड़ियों में से सोना जो है लोगों को बांट दो। तो ये सब सुनकर जब अर्जुन कर्ण से कहा गया, तो कर्ण ने कहा, ठीक है कृष्ण जी मैं जो है सारा का सारा सोना लोगों में बांट देता हूँ। उन्होंने कर्ण से कहा, इन दोनों पहाड़ी का सोना गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का ही है, जिसको जितना आप लोगों को चाहिए उतना ले जाइए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तो अभी भी बड़ा डामाडोल स्थिति थी अर्जुन की कि मैं तो दो दिन से लगातार पहाड़ खोदने में लग रहा हूँ, लोगों से कहने में लग रहा हूँ, सारी चीज़ करने में लग रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ, जो कर्ण ने एक बार में ये कह दिया कि तुम्हें जितना जितना चाहिए उतना उतना ले लो, और बात ख़त्म हो गई। और वो अपने आप से ही गाँव वाले सोना लेने लगे, चाहे वो एक बार लाइन लगाए चाहे दो बार लाइन लगाए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तो वो सोना लेने लगे।
तो यही बात कृष्ण जी से फिर अर्जुन ने कही कि फिर ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई जैसे कि करने का। इस पर कृष्ण ने जवाब दिया, तुम्हें सोने से मोह हो गया था, तुम खुद यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि गांव वाले को कितनी ज़रूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद खोद कर उन्हें दे रहे थे, तुम में दाता होने का भाव आ गया था। ये सब कौन समझा रहा था? अर्जुन को श्री कृष्ण जी समझा रहे थे। दूसरी तरफ कर्ण के ने ऐसा नहीं किया, वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहाँ से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे, उन्हें ये प्रशंसा के भूखे वो नहीं थे, ना ही उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। उनके पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं, इनसे उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम भी किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें भी यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म बने और ना कि अहंकार। तो ये सब चीज़ें अर्जुन को समझा रहे थे श्री कृष्ण जी कि जो कर्ण के मन में इस तरीके के भाव इसलिए आते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरी जगह जगह पर जय जयकार हो, लोग मुझे धन्यवाद कहें, लोग मेरा शुक्रिया कहें, उन्हें बिल्कुल भी पसंद ये सब चीज़ें नहीं है। इसीलिए वो जो भी दान करते हैं फिर उसके बाद यह नहीं देखते हैं कि इसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा है, उन्हें देने से मतलब होता है, उन्हें अपनी अच्छाई अपनी प्रशंसा सुनने का कोई भी मतलब नहीं है। वो वहाँ से दान देने के बाद सीधे वहाँ से निकल जाते हैं। और तुम्हारे अंदर क्या था कि तुम्हें जब सभी लोग जय जयकार कर रहे थे तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था और तुम यही सोच रहे थे कि सभी लोग मुझे मेरी जय जयकार करते रहें और तुम जो है सभी को सोना बांटते रहो। और यही बात जो है कर्ण को जब इस चीज़ का मौका मिला तो उसने जो है सारी की सारी जो है दोनों के दोनों जो पहाड़ थे सोने के वो गांव वालों को सौंप दिए कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जिसको जितना सोना चाहिए सब ले जाओ, और वो वहाँ से चल दिए। अब चल दिए तो यही 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 बात ये था कि वो भी गांव वालों के सामने खड़े होते यही सुनते कि हाँ जी कर्ण जी आपने बहुत अच्छा कर दिया, ये है वो है, लेकिन उन्होंने पीठ मुड़ के भी उस चीज़ को नहीं देखा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया था वो उन्होंने बखूबी निभा लिया। सिर्फ कुछ क्षण समय में, वो क्षण क्षणों में ही ये सारी जो समस्या थी वो उन्होंने हल कर दी। तो ये सभी चीज़ों सभी हम पर भी ये सब चीज़ें लागू होती हैं कि हमें भी जितना भी हम लोगों को धन देता है हम देते हैं या हम किसी का सहयोग करते हैं या किसी की सहायता करते हैं तो हमें भी ये सब चीज़ें इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। बस कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, वो वाले श्री कृष्ण जी के उपदेश तो वो सभी जगह लागू होता है। हम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कार्य करते हैं, हम लोग लोगों से जुड़ते हैं तो हमारे सामने जो जो चीज़ें आती रहती हैं उनसे हमें यह नहीं करना है कि हाँ हमने किसी का अगर ऐसा आपके बलबूते पर किसी का ऐसा कोई काम होता है तो बिल्कुल भी बेझिझक कर देना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई अब मुझे मैंने ये काम किया है तो मुझे अब इसका क्या फल मिलेगा क्या रिजल्ट मिलेगा, हम दिन रात उसी चीज़ को सोचते रहें कि हमने तो उसके लिए ऐसा किया और उसने हमारे लिए बदले में कुछ नहीं किया। तो जो भी आपने किया है वो सारा का सारा पानी में चला गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का जो ये कथा थी, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत रहती है। तो चलिएगा कल मिलते हैं एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, और आज के जो व्लॉग को है यहीं पे एक समाप्त करते हैं। और जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री